आज क्या हुआ, आज कई लोग कहाँ बैठे हैं? उन्होंने कहा था मैं 3 साल बाद अध्यक्ष नहीं मिल जाऊंगा, आज वो अध्यक्ष है। पागल जो उनको सीएम बना दिया है, खाली ने बताया कि हाँ हमारा केजरीवाल है। अरे केजरीवाल तो मतलब भाई काम से मतलब करो ना, अरे घर के अंदर सोफे उठते तो उसको बिजली लगती है। इनको गद्दी प्यारी है, इनको गद्दी से लोग हो गया है, लाभ है बहुत ज्यादा, ये परेशान है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। और आज हम आ चुके हैं दिल्ली के मंडावली इलाका में और लोगों से जानेंगे राय कि किसे देखना चाहते हैं वो केंद्र सरकार की गद्दी पे। आइए जानते हैं लोगों से राय, क्या लगता है 2024 में कौन बैठेगा सरकार की गद्दी पे? मोदी। मोदी। ऑप्शंस तो और भी है आपके पास। मोदी 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 भ्रष्टाचारी नहीं बैठेंगे मोदी। जिस सब जेल पे विजय भेजे हैं, केजरीवाल जेल चला गया जो भ्रष्टाचार भाई साहब बोल रहे थे वो ठीक है, जो गलत करेगा वो जाएगा, जहाँ आग जहाँ लगती है वहाँ धुआं उठता है। केजरीवाल तो कह रहा है हमें फंसाया गया है जबरदस्ती का, हमारी नाम खराब कर रहा है। कौन कैसे साथ देगा, आप हमें चल जाओ, हमको सज्जा हुए ऐसे बिना कुछ करे कुछ होता है टीटीवी? नहीं नहीं नहीं, बिना कुछ करे कुछ नहीं होता, आदमी कुछ गलत करता है जब फंसता है वो। केजरीवाल तो ये भी कहते हैं ईडी सीबीआई सब मोदी के इशारों पे चलता है। केजरीवाल तो ये भी कहते हैं मुझे कुछ भी चाहिए ना, ना घर ना घर ना पानी ना बिजली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केजरीवाल तो ये बोलते थे, आज क्या हुआ, आज केजरीवाल कहाँ बैठे हैं? ये देखिए आप, जब उनका तो जो यहाँ से उन्होंने आंदोलन शुरू किया था रामलीला मैदान से, और आज वो कहाँ बैठे हैं? उन्होंने कहा था मैं 3 साल बाद अध्यक्ष नहीं रहूंगा, आज वो अध्यक्ष है। और इनको 10 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, आज भी मुख्यमंत्री है वो। फिर तो कह रहे हैं हम जेल जाएंगे लेकिन हम सरकार भी जेल से चलाएंगे। अरे सब कुछ कर रहे हैं, बहुत से अनभक्त हैं, सब चला देंगे। चल रहा है वो, पास हो गया है, हाँ सब चलता है, सब चलता है। कोर्ट की तरफ से पास हो गया वो। क्या पास हो गया भाई साहब का? क्या चीज बात हुआ है? पास हो गया वो, सरकार चलाएंगे। बात हुआ क्या चीज बात हुआ है? अरे चलाएंगे, कौन सा चीज पास हुआ बताओ? जेल से सरकार चला सकते हो, चलाएंगे। पास क्या हुआ ये तो बताइए, आपका मर्जी क्या होगा? मतलब एक लोग बता देंगे गलत है और पूरी जनता ने चुन के भेज दिया, वो गलत कैसे हो जाएंगे बताओ? गलत इनके भेज दिया, आदमी गलत बोल दिया, चलो पूरी जनता ने उनको भेजा है ना। किनको भेजा है जनता ने? किनको भेजा है? केजरीवाल की बात कर रहे हो आप? जेल गए वो? जेल क्यों गए? एक आदमी गलत बना दे रहा है। कौन एक आदमी गलत बना दिया? कोर्ट से ऑर्डर आया तभी तो ईडी लेके गया ना। जो सेंटर में बैठा होगा वही गलत बना देगा उनको, उनको सरकार बना दिया। चिन्नमन स्वामी होने के बावजूद गद्दी पे बैठा, उसके लिए तो कोई वो नहीं है कानून, ऐसा है ऐसा है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। पकौड़े तल रहे हैं, तेल गर्म हो गए, पकौड़े तल रहे हैं, सब तलो, तलने है। चाय करेंगे क्या लोग? जनता पढ़ेंगे लिखेंगे तो नहीं पढ़े लिखे हो, आप क्या कर रहे हो? क्या भाई साहब, हम तो यहाँ ऐसी तैसी करवा रहे हैं भाई। केजरीवाल काम किया मेले में? अरे वो केजरीवाल एक को एक को सबको देखेगा, कहाँ से देखेगा? वो नीचे वाले खा जाते हैं, वो ऊपर से क्या देख लेगा? वो क्या खा जाएंगे? नीचे ही वाले खा जाएंगे भाई। आप बोलो ऊपर वाले खा जाते हैं। अरे आप तो क्लियर हो जाओ, आप क्या क्लियर हो जाए बताओ? यहाँ ये जो रोड टूटा फूटा दिख रहा है, यहाँ पानी चल रहा है, इस पर क्यों काम नहीं हो रहा? यहाँ तो विधायक कौन है? यहाँ तो विधायक तो बीजेपी का ही। सरकार किसकी है? बीजेपी का भी नहीं, विधायक है। अरे भाई आम आदमी पार्टी का, हमारी पार्टी का ऊपर पहले ऊपर कौन बैठा है अभी तो देखो, केजरीवाल बैठा हुआ है दिल्ली का। अरे भाई साहब केजरीवाल सब कुछ कर दे, अंदर तो ऊपर वाला नीचे अंदर तो चला गया। अरे वो चले थे भ्रष्टाचार झाड़ू लेके साफ करने, खुद भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। भ्रष्टाचार यार फंस जाएंगे, मतलब ये जनता भाई पागल है जो उनको सीएम बना दिया है। अरे उस टाइम नहीं हुआ था भ्रष्टाचार, अभी जाके पता चला ना। अभी जाके कैसे पता चला है? मतलब उनको पागल ही कहते हैं। अरे पागल ही बनाते हैं जो लीक से हटकर चलते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो फिर ऐसे ही आप भी रोड पर ऐसे घूमते रहोगे। क्या लगता है सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल जी को कि उन्हें फंसाया गया? अपनी बुनियादी है, सब अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जो जो बुनियादी है, जो यहाँ के रहने वाले है, इन्हें पता ही नहीं है एमएलए कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। ऊपर से कह रहे फसा गया, नीचे फसा गया, गया मुख्यमंत्री बोल रहे हैं बीजेपी का है, इन्हें पता कुछ नहीं है। खाली इन्हें पता है हाँ हमारा केजरीवाल है। अरे केजरीवाल तो मतलब भाई काम से मतलब करो ना, आज वो हाँ भाई, लेकिन दुख तो हुआ है, वो जेल में गया, दुख तो हुआ है, हमें भी दुख हुआ है, शराबियों को मसीह आते हो इसलिए वो जेल गए। बस
जेल से सरकार चलाना क्या सही चीज है? बहुत गलत है। आदमी अगर सही है कहते हैं क्योंकि बोलते हैं कि भाई फंसा दिया, कोई किसी को बेबुनियादी नहीं फंसा कभी कभी भी। बोला जाता है कि दिल्ली में शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सब फ्री है, बस महिला के लिए बस फ्री कर दिया हमने। देखो शिक्षा फ्री है वो आज भी, वो आज फ्री नहीं है, वो पहले से फ्री है, चली आई है। गवर्नमेंट स्कूल में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पहले से पढ़ रहे हैं, पहले फ्री है वो, आते फ्री नहीं कोई। हम भी गवर्नमेंट पढ़े हैं, हम भी फ्री पढ़े हैं, ठीक है, और कांग्रेस टाइम में पढ़े हैं, जब भी फ्री पढ़े थे हम। और आज भी अगर फ्री होती शिक्षा तो जो बड़े जो स्कूल बने हुए हैं सेंट एंड्रयू एलपीएल एलएलबी स्कूल, ये स्कूल फीस जा रही है 8,000 9,000 फीस जा रही है, ये फीस क्यों जा रही है? फ्री है तो। और बिजली हर घर के अंदर 200 यूनिट से उसको बिजली लगती है, जो बिल्कुल कायदा तबके का लोग है उसकी बिजली फ्री है, बाकी मिल गया लोगों को बिजली फ्री नहीं है। आप कह रहे हैं जिसका मकान खुद का यहाँ पे है वो अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो उसका बिजली फ्री नहीं है? उसका बिजली भी फ्री होगा और मकान बिजली काम नहीं देगा उसे। केजरीवाल कहते थे कि अगर किसी भी मंत्री पे आरोप लगता है या वो जेल जाते हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ये क्यों नहीं दे रहा इस्तीफा? इनको गद्दी प्यारी है, इनको गद्दी से लोग हो गया है, लाभ है बहुत ज्यादा, इसलिए परेशान है। आज बताओ मुझे, जब ये मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कहा था हम अध्यक्ष रहेंगे 3 साल के लिए, आज अध्यक्ष रहेंगे 10 साल के लिए, क्यों? हाँ जी अध्यक्ष दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी, जब इन्होंने कहा था कि मैं 3 साल रहूंगा, आज वो 10 साल हो गए। अब उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने, देखो हर साल 5 साल बाद मुख्यमंत्री चेंज हुआ, आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या लगता है केजरीवाल को जेल से सरकार चलाना चाहिए या तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, बेबुनियादी अगर बात होगी, अगर उनको बेवजह के जेल भेजा गया है उन्हें तो भाई भाई होके आएंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर नहीं आए तो सजा काटेंगे अपनी, अगर जो जो करेगा भरेगा। तो जैसा कि आपने देखा केजरीवाल कहते थे कि अगर मेरे मंत्री या किसी पे आरोप लगता है तो हम तुरंत इस्तीफा दिलवा देंगे, लेकिन वो खुद जब उस पे आरोप लगा हुआ है जेल में बैठे हुए हैं तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लोगों की मांग है कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।